बात आगे बढ़े, सर्वप्रथम उस नबी निराशंस जगतपति मोहम्मद मुस्तफा की बारगाह में दुरूद पढ़े। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الطب القلوب دوائها وافت الابدان بشفايا ونور الابصار وضيائها صلى الله تعالى عليه وسلم। कलाम उनका खुदा का कलाम है कि नहीं? जी सुभान अल्लाह। कलाम उनका खुदा का कलाम है कि नहीं? खुदा के बाद नबी का मकाम है कि नहीं? पिलाया जाएगा महशर में सब गुनाहों को, पिलाया जाएगा महशर में सब गुनाहों को। नबी के हाथ में कौसर का जाल है कि नहीं? नबी के हाथ में, अरे जरा हाथ तो उठाए, सब लोग उठाए, बिल्कुल नेदार नींद से बेदार हो जाए और तैयारी होकर नारे एक एक नबी के नाम पर उठे, नारे नारे पिलाया जाएगा महशर में सब गुलामों को। नबी के हाथ में कौसर का जाम है कि नहीं? और जमीन पे सारे मसाजिद के मुअज्जिन का ईमान मेरे रसूल का हबशी गुलाम है कि नहीं? मेरे रसूल का हबशी गुलाम है कि नहीं? ये दुआ अपने बरादरी की शायरी है जी। आज मैं बताऊंगा महेंद्र सिंह अशक ने हाथ में काशे का लोटा उठाया, माथे पे चंदन का टीका लगाया, मगर जब कुरान की अजमतों को पढ़ा तो कहने पर मजबूर हो गया। सुनेंगे कितने लोग सुनेंगे जरा मुजाहिद मिल्लत के दीवाने साहब, बोले या रसूल अल्लाह सब नबी के नाम पे नहीं बोलते, वही नबी के नाम पे बोलता है जिनका दिल मुजाहिदियों का रंग शरिया में रंग के अजहरी हो जाता है। और मुसलमानों याद रखो, जिनका दिल अजहरी हो जाए, कादरी हो जाए, रस्मी हो जाए, मुजाहिदी हो जाए, हबीबी हो जाए, उनके सीने में कीना नहीं मेरे सरकार का मदीना रहता है। महेंद्र सिंह अशक लिखता कहता मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, मुख्तसर ही मिल जाए, कहता मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, सौ युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की। कहता है कोई काशी मथुरा अयोध्या में लाख बार जन्म ले तो जन्म लेना बेकार है, और नबी के शहर में एक लम्हे की जिंदगी मिल जाए तो कामयाब है। पंडित होके बोलता है, मुसलमानों के नहीं बोलेंगे। मुसलमानों इतना बोलो और ये अकीदा लेकर उठो जश्ने खैरुल वला से कि कौन कहता है नबी मदीने में रहता है, कौन कहता है नबी मक्के में रहता है, मेरा ईमान कहता है नबी हर आशिकों के सीना में रहता है। चतु बेटी का ऐलान हुआ और डेढ़ बजने के बाद आदमी को उड़िया भाषा अपने जुबान में सही नहीं लगती है और संस्कृत की जुबान में तकरीर करनी है। हमारे अकरम भाई ने कहा हजरत वो तकरीर कीजिएगा जो आप नवादा में किए। अच्छा, यही हाल हो जाएगा नतीब जलसा कारी आलमगीर साहब से मिला। ये तीन लोग सफर कर रहे थे, अच्छा एक ईसाई और एक यहूदी और तीसरा मुसलमान था। जिस तरह यहाँ देखे ना नामी ग्रामीण मुसलमान है, जो मशहूर मुसलमान थे चले गए, चले गए तो तीनों में एक यहूदी एक ईसाई और एक मुसलमान। तो मुसलमान हमेशा से थोड़ा चालाक होते। अच्छा, खाना इतना था कि एक आदमी का पेट भर सकता था। सोचा यार अगर तीनों मिलके खाएंगे तो नाश्ते की तरह हो जाएगा, कुछ रास्ता निकालो मसला निकालो। नकीब जलसा की तरह मुसलमान थे बड़ा होशियार, बोला ऐसा करो तीनों सो जाओ, जो सबसे अच्छा ख्वाब देखेगा खाना वही खाएगा। बेचारे मुसलमान तो सोए नहीं, वो तो पाक में लगे रहे, जब ये सोएंगे तो मरी पूरा। क्या किया बेचारे दोनों सो गए, और झूठ बोलने में तो ईसाई से आगे कोई है ही नहीं, अच्छा उससे फास्ट है यहूदी। सोया सोने के बाद उठा, बोला यार मैं आज बड़ा खूबसूरत सा सपना देखा। बोला क्या देखा? बोला अभी मैं सोया, मूसा अलैहि सलाम आए मुझको उठाया, बोला यार यहाँ क्यों सोए हो, चलो ना कोहे दूर का सैर करते हैं, मुझको लेकर चला गया कोहे दूर। अल्लाह की तजल्ली की बरसात हो रही थी, मैं अपने नजरों से देख रहा था। वो सोचा इससे अच्छा ख्वाब भला कौन देख सकता, खाना तो मेरे मुकद्दर में होगा। बोला बहुत अच्छी बात है,
ईसाई सुना बोला यार तुमने इतना अच्छा ख्वाब देखा तो मुझसे पूछो ना मैं क्या देखा। बोला क्या देखे? बोला यार जब मैं सोया ना तो ईसा अलैहि सलाम आए मुझको उठाया। बोले यहाँ क्यों सोए मेरे साथ चलो पहले आसमान दूसरे आसमान तीसरे आसमान चौथे आसमान का सैर कराया। मुल्ला बेचारा सोया हुआ था मुसलमान सोया नहीं तो मटिया तीनों को सुना बोला इनसे भी उठाओ यार मुसलमान से भी उठाओ इन्होंने क्या देखा होगा इनसे पूछो। जब ये उठा तो बोला यार क्या करूं शर्म के मारे बयान करने का मुझको मन नहीं करता। बोला कुछ तो बयान करो यार खाना तेरे मुकद्दर में नहीं मान लिया लेकिन बयान तो कर दो। तो मुसलमान बोला यार मैं क्या करूं जैसे मैं सोया मेरे साथ दो फरिश्ते आए दोनों के हाथों में बुरूज था एक दाहिने एक सिराने जाने एक पैताने जाने और दोनों बुरूज उठाकर बोला नादान खाना पड़ा है भूखे सो गए हो उठो खाओ मैं तुझे मार कर तेरा सर पे मरता क्या ना करता उठा और सारा खाना मैं खा के सो गया। बोला यार कितने बेवकूफ हो मैं तो तेरे बगल में सोया था मुझको उठा लेते मैं भी खा लेता। बोला यार मैं बहुत उठाया बहुत कोशिश किया आप चौथे आसमान का सैर कर रहे थे ये कोहे दूर का सैर कर रहे थे। ऐसी तो नहीं चतुर्वेदी की शक्ति सुनेंगे वो चार श्लोक सुना दूं पूरा मजमा। बोले या रसूल अल्लाह क्या मेरे नबी के बारे में बताऊंगा पंडित उपनंदनाथ मधुफादिया से लेकर पंडित हरिदेव प्रसाद तक और मैं बताऊंगा मेरे सरकार के बारे में सम्राट विक्रमादित्य ने आज से 2000 साल पहले अमरकंठ में जो पत्थरों के चट्टान में हिंदू भाई कहते हैं महादेव की जट से जो नदी निकली है नर्मदा वो भी मैं बताऊंगा वो कहां से निकली कहां जाके निकली है। चाहे जितनी नदियां हो चाहे वो नदी गंगा हो जमुना हो सरस्वती हो सतलज हो जहलम हो रावी हो रासी हो सारे नदियों का रुख अलग अलग है मगर जो महादेव की जट से जो नदी निकली है उसकी रुख मदीने के चांद पर वो भी बात मैं रखूंगा। तो मेरे सरकार की मधे सराय में एक चैप्टर सुनिए नबी की खालिसी हाय हाय क्या कहता सकल पशिशि हो मधुरस सुरंग कपि चंद्र की गुरु दस्य दिशत था हो भूम कचुनी लागन सत था हो ओम दौष्मानति महाति वरुण तपिष्ट परिस्ताति हां बुझाया ना एक एक लफ्ज का तर्जमा करेंगे आपको चतुर्वेदी खुद बना के जाएगा। हाय 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 क्या बात है भाई है जिंदाबाद दशी नबी की शक्ल जैसी किसी की शक्ल ना हो नबी ना जवाब होंगे उनका दिल ना जवाब होगा नबी ना जवाब होंगे उनकी शरीयत ना जवाब होगी नबी ना जवाब होंगे उनका तरीका ना जवाब होगा नबी ना जवाब होंगे उनका खानदान ना जवाब होगा नबी ना जवाब होंगे उनका सीना भी ना जवाब होगा और जान नबी रहेंगे उनका मदीना भी ना जवाब होगा। ना उनके दाल का जवाब होगा ना उनके बालों का जवाब होगा वो निराकार का निराशन से पैगंबर होगा वो इतनी शक्तिशाली होंगे इतनी शक्तिशाली होंगे टूटी चटाई पर बैठ कर उंगली का इशारा करेगा कभी डूबा हुआ सूरज पैरेगा कभी इशारा करेगा चंद्रमा दो टुकड़ों में बांट कर नबी का कलमा किताबों में नबी के जिक्र के जलवे हैं। बेशक श्लोक मैं और सुना दूं ताकि कारी शमशीर साहब किबला में दावत दी लोग ये ना कहें चतुर्वेदी आ जाए इसलिए मैं संस्कृत में सुना देता हूं ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि चतुर्वेदी आ गया। कैतान नबी की क्या खसलतें हैं कुरान से आपने सुना इन उलमाए कराम इन हुफाज़े कराम के सीने में कुरान है कसम खुदा के पूरा कुरान नबी की इश्क का इजहार करता है लेकिन सुनो वेदों में भी नबी की इश्क का इजहार कैसे किया। वाह कहता इश्क गुना मा पुरुषम
ਤੀਪ ਜਾਣਦੀ ਤ੍ਰਿਤੀ ਤਿਆ ਜਾ ਉਤਮ ਕੋਲਮ ਜਾ ਪਉ ਭਾਸ਼ਾ ਜਾ ਇਦਨ ਮਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤਿੱਛਾ ਵੋ ਮਹਰਿਸ਼ੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਹੰਮਦ ਪਰਮ ਪੂਜੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬੇਟਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਨਕੋ ਆਖ ਖਸਲਤੋਂ ਕੇ ਮਾਲਿਕ ਬਣਾਏਗਾ ਵੋ ਚਲੇਂਗੇ ਜਿਸਮ ਹੋਗਾ ਮਗਰ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਜਿਸਮ ਹੋਗਾ ਸਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ ਬਦਨ ਮੇ ਪਸੀਨੇ ਹੋਣਗੇ पसीने में बदबू नहीं खुशबू ही खुशबू होगा और उनकी खुशबू का एहसास कोई मौलवी करे या न करे बरेली के ताजदार ने किया था तभी तो कलम उठाया पुकार उठे उनकी महक दिल के गुलचे खिला दिए हैं जिस राह चल दिए हैं गुलचे सब आला हजरत के दीवाने शोरा इकराम के चेहरे से जो नूर का इजहार होता है ये फैजान आला हजरत नाते नबी लिखने का शौक किसने पैदा किया पूछे इन उलमा इकराम से आला हजरत के इश्क ही ने लोगों को जगाया आज थोड़ी सी शोहरत हो जाती है अल्लाह तो इतनी तकब्बुर बड़े बड़े लोग जो जिनकी शोहरत बहुत ज्यादा पोस्टरों में देखिएगा सोशल मीडिया में फूल लगाएंगे तो एक बार में नहीं उठाते दस बार लगाएंगे तब उठाएंगे वो सोचेंगे जितने बार मैं कॉल ना रिसीव करूं उतना मेरा नाम ऊंचा होगा खुदा से दुआ करो अल्लाह इल्म दे तो गुरूर ना दे आवाज दे तो तकब्बुर ना दे क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा जब शैतान का गुरूर रब ने मिटा दिया फिर हम सब के गुरूर को रब मिटा दे जब जब जमाने में किसी के दिल में गुरूर आया है आपने देखा कि करवट बदली है वो जमाने का खाकसार होता नजर आया तो आला हजरत कुलूम आज चतुर्वेदी आया हमारे अकरम भाई रिसीव करने गए बड़ी इज्जत की बड़ा एहतराम किया हमारे हैदर भाई के घर में रखा किसी चीज की तकलीफ न हो क्यों इतनी कदर दिल ही दिल में सोचने लगा यार जब ये गुनहगार बंदा नबी की तारीफ करे तो इतनी इज्जत होती है तो जिसने घंटों घंटा रात रात भर जाग जाग के नबी की इश्क में नात लिखी उनकी इज्जत जिसने हमें नाते नबी पढ़ने का सलीका बताया आज चतुर्वेदी थोड़ा सा कुछ हासिल कर लिया इतनी शोहरत हो गई हिंदुस्तान के बाहर भी लोग बुलाने लगे लेकिन मेरे भाई मैं कौन सा इल्म मेरे अंदर मैं थोड़ी सी उर्दू जानता हूँ थोड़ी सी अरबी जानता हूँ थोड़ी सी संस्कृत जानता हूँ लेकिन आला हजरत इल्म का अंदाजा लगाओ कौन सा इल्म था जो आला हजरत के अंदर नहीं था कौन सा इल्म था जो आला हजरत के अंदर नहीं था चाहे वो इल्म तेरत हो इल्म तकवीन हो इल्म तफसीर हो इल्म उसूल तफसीर हो इल्म हदीस हो इल्म उसूल हदीस हो इल्म सानिद हदीस हो इल्म असमाउर रिजाल इल्म कुरआन इल्म तफ़सीर हदीस इल्म लुगतुल हदीस इल्म रस्म खत इल्म फिकह इल्म उसूल फिकह इल्म फराइज इल्म कलाम इल्म अहकाम इल्म अवसार इल्म तकाबली अध्ययन इल्म बान वल बयान इल्म बलाघत इल्म अकायद इल्म नूर इल्म बाहिस इल्म सार इल्म नहा इल्म अतब इल्म उरूज इल्म बहर इल्म इंसाब इल्म निसाब इल्म मुराजा इल्म रियाद इल्म सिजा इल्म तफसीर इल्म हिंसा इल्म जबर मुकाबला इल्म तकलीफ इल्म जफर इल्म रमल इल्म तौकीद इल्म आफाक इल्म नजूम इल्म मुसाइद नास इल्म जोग्राफिया इल्म तबियात इल्म माबाद तबियात इश्तेहार फलकियात अर्जियात मुसलसात माजियात हुदूदियात शुमारियात मालियात मौसमियात सियासियात हयातियात तालुकात तहकीकात तसरीफात तनकीदात रिदात इमरानियात मुराविया मुकाशिफात शायरियात अमलियात नफ्सियात तिब्बो हिकमा जराआत कनाआत सबाआत फसाआत बलागात फलसफा मंती ताबीरे रुइया उर्दू हिंदी अरबी फारसी संस्कृत मराठी पंजाबी गुजराती सारे उलूम पर जिसको नूर अता किया था उसी को आला इतने बड़े आलिम इतने बड़े
मगर जब आप बरेली की गलियों से गुजरते छोटा बच्चा बैठा होता आला हजरत सलाम करते। सुभान अल्लाह। लोगों ने पूछा है आला हजरत इल्म का कोहे हिमाना आप हो छोटे छोटे बच्चों को सलाम क्यों करते। आला हजरत ने जवाब दिया था ऐ दुनिया वालों आला हजरत को आला हजरत दौलतुल मक्किया ने नहीं आला हजरत को आला हजरत नबी के प्यार ने बनाया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज इसी में खुदा मिलता है आज इसी में मुस्तफा मिलता है तकब्बुर से शैतान मिलता है जहन्नम से पता मिलता है। अरे वाह वाह वाह। इसलिए खुदा से दुआ करो अल्लाह हमारे इल्म दे शोहरत दे दौलत दे तो दौलत हम किसी और में सर्फ ना करें दौलत अल्लाह दे तो उस दौलत को हम मदरसे की राह में सर्फ करें। क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ा जो अपने मेहमान की दिल के मुताबिक खाना खिला दे राजी कर ले खुश कर ले अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो कयामत के दिन मेरे इतने करीब होगा जैसे ये तो आपस में उंगलियां करीब रहा करती है। मिल्लत के नौजवानों नुक्ता ये मिलता जब अपने मेहमान को कोई राजी कर ले तो मुस्तफा के करीब जन्नत में रहेगा तो जो मेहमान रसूल को राजी कर ले वो मुस्तफा की करीब आए। जिंदाबाद सुभान अल्लाह। मैं इन तमाम मैं उलमाए किराम को दुआएं देता हूँ अल्लाह आपकी उम्र को खिद्र अता फरमाए उम्र खिद्र अता फरमा कर आपके हाथों से ऐसे ऐसे हुफ्फाज़े किराम और भी आप पैदा करते रहे अल्लाह आपके हाथों में वज़ूर को शौक अल्लाह। तकरीर तो हो गई तो बात आ गई मैं बता देता हूँ हम किसी चीज पर मुझको नाज नहीं है लेकिन मुस्तफ़ा के शजरे पे मुझको खूब नाज है। अगर हमारी बोले हजरत जब आप नवाडी में मेरे मुस्तफ़ा का शजरा बयान किया था तो सुना दीजिएगा मैं सुना देता हूँ। नबी का नूर ही है ये क्या थे किसी का बच्चा होगा किसी का भतीजा होगा